The metals prepared by the various reduction processes usually contain some impurities, so they are impure. The process of purifying impure metals is called refining of metals. The most important and most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. तो क्या है कि जैसे हमने रिडक्शन वाला प्रोसेस देखा जिसमें हमने हाईली रिएक्टिव वाले जो थे, हाईली रिएक्टिव वाले में तो सीधा सीधा हमने बोला कि कार्बन की हेल्प से, एल्यूमिनियम की हेल्प से रिडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव में हमने देखा कि एक प्रोसेस होता है जहाँ कार्बोनेट और को रिड्यूस करना होता है तो वो होता है कैल्सिनेशन, जहाँ पर सल्फाइड और को करना होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक सॉरी रोस्टिंग होता है। तो ये हमने मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए देखा। लीस्ट रिएक्टिव के लिए हमने देखा कि डायरेक्टली हीट करके ही हो जाता है। तो ये जो हमने प्रोसेसेस देखे थे इनमें जो हमको मेटल मिलता है ना उसमें भी थोड़ी बहुत कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। अब उस थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी को साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो देखिएगा जरा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो प्रोसेस है इसमें वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में देखिएगा, पहले है अ थिक ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। अ थिक ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो मेटल हमने अभी तक रिडक्शन वगैरह करवा कर जो मेटल हमको ऑप्टेन हुआ उसको हम इम्प्योर मेटल बोल देते हैं। इम्प्योर मेटल का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी उसके अंदर होगी, ठीक है। अच्छा, तो उसको तो हम बना देंगे एनोड। अच्छा, एनोड क्यों बनाएंगे उसको? एनोड एनोड ही बना पाएंगे और कुछ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेटल है ना वो। तो मेटल क्या करता है, मेटल कैटायन बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसी को तो कैटायन मतलब बोलते हैं। और जो कैटायन है उससे अगर मेरे को कोई इलेक्ट्रोड बनाना है तो वो कौन सा इलेक्ट्रोड बनेगा? एनोड बनेगा, ठीक है। तो इम्प्योर मेटल को तो एनोड बना दिया, तो ये ऐसे करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल देखिएगा क्या करा हमने कि जैसे मान लीजिए कॉपर हमने ऑप्टेन कर लिया, जो भी हमारे पास प्रोसीजर्स थे रिडक्शन के उससे हमने कॉपर को ऑप्टेन कर लिया, तो इसको हमने बोल दिया इम्प्योर कॉपर एज एनोड। इम्प्योर कॉपर एज एनोड, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना बैटरी का उससे अगर मैंने उसको कॉपर को अटैच कर दिया तो वो हमारे पास हो गया एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब एनोड, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब कैथोड। और नेगेटिव टर्मिनल से मैंने क्या करा कि हमारे पास प्योर कॉपर भी रखा हुआ था तो हमने प्योर कॉपर की एक पतली सी स्ट्रिप ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्योर कॉपर एज कैथोड। प्योर कॉपर एज कैथोड। अब इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन डाला है दैट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एसिडिफाइड C
CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट में मामूली सा हमने कोई भी एसिड मिक्स कर दिया, वो एसिड किस वजह से मिक्स करा है, ताकि ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन बन पाए। हम ये जानते हैं कि एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट में मामूली सा हमने 2-4 बूंद हमने एसिड ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ इधर ऐसा है कि इस पॉइंट पर पहुंचते ही कभी कोई जाते उसके बाद देखिएगा कि एक तरफ हमने इम्प्योर कॉपर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, एनोड से कनेक्टेड। नेगेटिव टर्मिनल पर हमने एक पतली सी कॉपर की स्ट्रिप अटैच कर दी, प्योर कॉपर मेटल ले लिया और फिर अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ले लिया। फिर क्या होता है, द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन Cu2+ फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गो टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड एंड बाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर एटम्स। अब क्या है कि हमारे पास जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होगा कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, अब ये इम्प्योर कॉपर है, भले ही इम्प्योर कॉपर है इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी मिक्स है लेकिन फिर भी कंडक्शन तो करेगा ना ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया, करंट जैसे ही पास होना शुरू हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हुआ। क्या एनोड मतलब एनोड की मिट्टी, ठीक है, एनोड की इम्प्योरिटी, इसमें से इम्प्योरिटी टूट टूट कर नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो जरा देखिएगा कि अब क्या होगा कि ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर के आयन टूटने शुरू होंगे, तो इसमें से कॉपर के आयन टूटने शुरू हुए Cu2+। अब ये जो कॉपर के आयन टूटने शुरू हुए हैं ये कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं, तो ये जाएंगे कहाँ पर, ये जाएंगे इस नेगेटिवली चार्ज के पास, इधर जाकर डिपॉजिट होने शुरू हो गए, समझ रहे, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन Cu2+ फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गो टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड एंड बाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर एटम्स। तो ये क्या करेंगे कि कैथोड जो है मतलब यहाँ से जैसे ये Cu2+ है तो ये Cu2+ के आयन सारे के सारे धीरे धीरे जाकर इस पर कैथोड पर डिपॉजिट होने शुरू होंगे, क्योंकि Cu2+ आयन्स हैं कहाँ से, आए कहाँ से, Cu2+ आयन्स जो हैं उनको कंडक्टिंग पाथ चाहिए था, एक जो कॉपर आयन्स हैं उनको एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए था, वो मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दे दिया, थोड़ा सा कॉपर यहाँ से टूटा और थोड़ा सा कॉपर यहाँ से निकला, यहाँ से निकल के धीरे 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 वो सारा का सारा यहाँ पर इस पर डिपॉजिट होना शुरू होगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज में हमने इसको कॉपर को कनेक्ट कर रखा है और पॉजिटिवली चार्ज में इस वाले कॉपर को, इम्प्योर कॉपर को कनेक्ट कर रखा है। तो धीरे 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 करके हम क्या देखेंगे कि क्योंकि इसमें कंडक्शन शुरू हो गया है तो यहाँ से कॉपर के आयन्स टूटते जाएंगे वो यहाँ से निकल कर इसको डिपॉजिट होते जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है, कॉपर प्योरीफाई हो गया है। ये पता कैसे चलेगा कि ये वाला जो एनोड है, ये वाला जो आपका जो एनोड है ये तो पतला होता चला जाएगा और ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा, तो इस पर जो है डिपॉजिट होते चले जाएंगे उसके आयन्स, कॉपर के आयन्स। तो आगे तो लिखा हुआ है वही कि आपका कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा, तो देखिएगा एज द प्रोसेस गोज ऑन इम्प्योर एनोड बिकम्स थिनर एंड थिनर वेयर एज प्योर कैथोड बिकम्स थिकर एंड थिकर, दस प्योर कॉपर इज ऑब्टेंड एट द कैथोड। तो जो प्योर कॉपर है वो सारा का सारा हमें यहाँ पर कैथोड पर मिलना शुरू हो गया, समझ गए, ठीक है। उसके बाद है द मेटेलिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इम्प्योर कॉपर कैन आइदर बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। जो मेटेलिक इम्प्योरिटीज हैं जो कि इम्प्योर कॉपर में प्रेजेंट हैं, जो मेटेलिक इम्प्योरिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी हो सकती हैं और लेस रिएक्टिव भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी और लेस रिएक्टिव भी हो सकती हैं। नाउ द मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन प्रेजेंट इन इम्प्योर कॉपर पास इन टू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड रिमेन देयर। अगर मान लीजिए कि इसमें हमने ज़मीन से ही तो खोद कर निकाला था इसको, फिर हमने रिडक्शन वगैरह करा, हो सकता है इम्प्योरिटी के नाम पर थोड़ा बहुत इसमें आयरन हो, तो आयरन जो है वो तो इस सॉल्यूशन पे बना रहेगा, और अगर उसके अलावा कोई इम्प्योरिटी है। ऑन द अदर हैंड द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
below the anode in the form of anode mud. Gold and silver metals can be recovered from the anode mud. तो यहाँ पर एक कचरा सा इकट्ठा हो जाएगा और वो जो कचरा है उसको हम बोलते हैं एनोड मड, और ये कचरा बेकार का कचरा नहीं होता, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि कोई भी, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी आप शहर लीजिए कंट्री का, हमारे कंट्री का कोई भी शहर लीजिए, हर शहर में एक दाल मंडी होती है, दाल मंडी होती है, वहाँ पर दालें मिलती हैं, वहाँ से आप गुजर नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पर ना आपको छींके आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर मसाले कूटे जाते हैं, वहाँ पर दालों की रिफाइनिंग का प्रोसेस चलता है। वो एक मंडी होती है, मंडी का मतलब ये नहीं है कि सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी मिलेगी, दाल मंडी में दाल मिलेगी, ऐसे ही एक मार्केट होता है, उसको बोलते हैं सर्राफा मार्केट। सुना है ये शब्द, सर्राफा मार्केट सुना है कि नहीं? सर्राफा मार्केट हर शहर में होता है। सर्राफा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, ब्रोंज का, इनका काम होता है, ठीक है। गाज़ियाबाद में यहाँ पर सियानी गेट मार्केट के पास है, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि लाइन से सारे के सारे जो हैं ज्वेलर्स, गोल्ड की, सिल्वर की, इन सब चीज़ों की ज्वेलरी वगैरह वहाँ पर मिलती है। और वहाँ पर एक अलग सी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि वहाँ पर एक आदमी होता है, एक नहीं कई आदमी होते हैं, कई आदमी क्या करते हैं, सर पर एक कपड़ा बांध के रखते हैं, ठीक है, और हाथ में एक बड़ा सा तसला होता है और एक छन्नी टाइप की चीज़ होती है, वो उसको लेकर ना ऐसे घूम रहे होते हैं, और जो वहाँ पर जो मार्केट होता है उसकी जो नालियाँ होती हैं, उसकी नालियों में उसको डालकर और उसकी उसको छान छान कर और उसकी छान के और सफाई करके और उसको वापस जो उस सर्राफा मार्केट वाले होते हैं ना, जो ज्वेलर जो हैं उनको बेचते हैं, वो ख़रीदते हैं उसको। वो होती क्या है, वो यही अनोड मड होती है, क्योंकि ज्वेलर की, किसी भी आप ज्वेलर की दुकान देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसा कभी किसी फिल्म में भी नहीं दिखाया गया, जो एक्चुअल चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ कि जो भी कभी आप ज्वेलरी की दुकान देखेंगे तो ज्वेलरी की दुकान में सामने की तरफ तो शोरूम होता है, लेकिन पीछे एक दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे के पीछे एक छोटा सा रूम होता है, उस छोटे से रूम में जो लोग हैं वो जैसे गोल्ड की चेन होती है या कान में पहनने के होते हैं या अंगूठियाँ होती हैं, तो वो उस पर वहाँ पर काम करते हैं। तो जब वहाँ पर काम करते हैं तो उसकी रिफाइनिंग भी चलती है, रिफाइनिंग होगी तो साफ़ सफाई होगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वहाँ पर यूज़ करा जाता है, मास में यूज़ करा जाता है, खूब डिपेंड करता है कितना बड़ा ज्वेलर है, तो जितना बड़ा ज्वेलर है उसकी वर्कशॉप भी उतनी बड़ी होगी, तो इसका मतलब भाई साफ़ सफाई करें तो करेंगे, वॉश बेसिन होगा, वॉश बेसिन में साफ़ सफाई होगी, वॉश बेसिन से नाली में जाएगा पानी, अब जब वो नाली में जाएगा तो वो जो चीज़ है उसको उसमें एनोड मड भी चली जाती है, और जब एनोड मड चली जाती है, और वो जो होते हैं ना, जो लोग होते हैं वो खुद से नहीं करते ये काम, उनको खुद को इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं क्या, मेरे को क्या करा जा रहा है, उनको तो बोल दिया है कि तेरे को नाली साफ़ करनी है, नाली साफ़ करके जो कचरा है वो कचरा निकाल कर तेरे को फलाने को दे देना, तो ये पूरा का पूरा एक चेन होती है, और उनका भी मालिक अलग बंदा होता है, वो पूरा बंदा बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो एक बंदे को पकड़ा देते हैं कि भाई ये मैंने इतना तुम्हें आज का कचरा इतना दे दिया, ठीक है, ले भाई पकड़ते रहे 300 रुपये लेबर, उसको 300 रुपये दे दिया, अब उसको पता नहीं है कि वो 300 रुपये में उसको 3000 का या 30000 का माल दे रहा है, अब वो क्या करेगा, अब वो उसको अपनी रिफाइनरी में लेकर जाएगा, रिफाइनरी में क्या होगा, रिफाइनरी में जितनी भी मिट्टी वगैरह, सैंड, रॉकी पार्टिकल्स वगैरह वो चले जाएंगे, और छोटे छोटे जैसे, मतलब अगर रेत, अगर आपने देखा हो ना रेत, आप एक चुटकी ले लो हाथ में और उसको वाइट कलर के पेपर पर फैला दो, ठीक है, तो उसको वाइट कलर के पेपर पर आप फैलाओ और फैलाकर आप उसको ना धूप में देखो, तो धूप में क्या होगा, धूप में आपको ना उसमें दो चार क्रिस्टल्स ऐसे नज़र आएंगे जो चमकते हैं, दो चार क्रिस्टल्स ऐसे नज़र आएंगे जो चमकते हैं, उसी को माइका बोलते हैं, उसी को माइका बोलते हैं, और उस माइका के वो जो छोटे 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 दाने हैं, अगर उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और गर्म करके उनको, मतलब मोल्टन स्टेट में पहुँचा कर, और फिर उनको एक सांचे में डालकर और फिर उसको फ्लैट करके रख दिया जाए तो दर्पण बन जाता है, शीशा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो शीशा है, ये शीशा बनाने का प्रोसीजर ये रेत से बनता है, ये भी तो आप ये देख लीजिए कि जो नेचुरली जो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारी जो चीज़ें मौजूद हैं, उन्हीं सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो एनोड मड है, इस एनोड मड से ये काम होता है, और कभी भी जाकर देख लेना घर परिवार में, अगर कभी किसी की शादी होगी ना, और शादी में लोग जनरली ज्वेलरी की शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो तब आप वहाँ पर जाकर देख लेना, आपको 100% एक आदमी दिखाई देगा, उसने कमर पर एक बोरी का कपड़ा डाल रखा होगा, एक हाथ में तसला ले रखा होगा, और एक बड़ी सी छन्नी होगी, ठीक है, और वो आपको लगेगा कि नाली के अंदर सफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नाली के अंदर से उसको इकट्ठा कर रहा होता है, और उसको पूरे दिन का दे रखा होता है कि भाई तेरे को 300 या 500 रुपये हम देंगे,
वो अपना वो निकाल कर देता है, पता है उसको, उसको पता है कि इसमें से सोना है चांदी या कॉपर निकलेगा, उसको ये चीज़ मालूम है, लेकिन वो रिफाइनरी का प्रोसेस नहीं जानता, उसके पास वो मशीनरी नहीं है जिससे वो रिफाइन करके एनोड मड से उस चीज़ को निकाल सके, तो उसकी मजबूरी है कि वो सामान लेकर और वो देता है उनको, जाकर दे देता है, वो जाकर अपना रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद में छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, तो सोना जो है वो कुछ इस तरीके से बाद में बिखरने लगता है जैसे कि पाउडर हो सोने का, और फिर उसको मॉल्ट करवा कर और उसको वापस सोने के बिस्किट बना दिया जाता है वापस। तो ये प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। जैसे आप ये देखिएगा कि कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए वही कहानी है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ये वही वाली कहानी है कि भाई कॉपर शुरुआत में कैसे आई, मतलब कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए मुझे प्योर कॉपर चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं, कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए मुझे प्योर कॉपर चाहिए, तो और पिछले एक्सपेरिमेंट में चले जाओ, और पिछले एक्सपेरिमेंट में चले जाओ, हजारों साल पहले चले जाओ, भाई फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर कहाँ से मिली होगी, ठीक है, कहाँ से मिली होगी, तो फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद रामायण में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सच है, ठीक है, उस ज़माने में जो साइंस होती थी वो शायद आज हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, बरमूडा ट्रायंगल आप तो जानते होंगे, तो बरमूडा ट्रायंगल की बुद्धि को कोई सुलझा नहीं पाया अभी तक, ठीक है, और वो बरमूडा ट्रायंगल को क्या बताते हैं कि वो उधर लंका के पास कोई जगह, लंका के पास कोई जगह, कोई जगह पड़ती है, और हाँ मैग्नेटिक फील्ड वो कंसेप्ट ऑर्स्टेड ने मैग्नेटिज्म का आविष्कार करा, तो उसने उस चीज़ के बारे में बताया, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से भी हनुमान जी तो उड़ते हुए चले गए थे ना, तो उनको तो नहीं खींचा ना उसने, कहते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटी मैग्नेटिक फील्ड वो सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं कि उसके ऊपर से प्लेन भी नहीं गुजरता, और प्लेन अगर गुजर जाए तो वो उसको खींच लेगा और वो कहाँ चला जाएगा पता नहीं। तो ये जो मिथ है वो ये है कि वो अर्थ के सेंटर पर जाकर रुकता है, अर्थ के सेंटर पर लावा है, लावा में पिघल कर मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये एक मिथ है। आप पढ़ेंगे गूगल पर, यूट्यूब पर देखेंगे, न जाने कितनी सारी आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिल जाएंगी, तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो है ना कि हनुमान जी तो वहाँ से भी उठते हुए चले गए थे, तो इसका मतलब पुरानी चीज़ें वो गलत नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं कि गलत है, और वो गलत नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है, हमें नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है। तो खैर, अब जो यहाँ पर हम वापस इस टॉपिक पर आ जाते हैं, इस टॉपिक में क्या था, इस टॉपिक में क्या था कि प्योर कॉपर इज कैथोड, नहीं कोई भी आप पूछ लेना, अगर आपके जान पहचान में कोई भी एविएशन इंडस्ट्री में हो या कोई नेवल इंडस्ट्री में हो तो उस तरफ कोई जाता ही नहीं, हाँ तो उस तरफ कोई जाता ही नहीं, उसके ऊपर से प्लेन भी नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो ये सभी, और ये सारे कंट्रीज को पता है, सारे कंट्रीज के जो एयर चीफ्स हैं सबको पता है भाई उधर से नहीं जाना, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया, तो वहाँ पर क्या है ऐसा। सर बरमूडा ट्रायंगल तो फ्लोरिडा के पास पड़ता है, और हनुमान जी की बात कर रहे हैं वो तो इंडियन सबमर्सिबल की बात। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संजीवनी बूटी कहाँ से लेकर आए थे, फ्लोरिडा से लाए थे, ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि वो वहाँ की बात हो रही है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि वो जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका के पास वहाँ पर भी वो खूब उड़कर गए हैं, और पहले जो है ना, पहले हमारा कंट्री नहीं हुआ करता था, ये नहीं था कि ये मतलब सिर्फ इंडिया यही है जो हम मैप देखते हैं, तो इसको जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने टाइम की जब मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आर्यव्रत कहा जाता था, और व्रत का अगर आप मतलब देखेंगे तो वो इसका स्पेलिंग भी जो है ना, वो व्रत वाले, वो उपवास वाले नहीं है, उसके स्पेलिंग भी ये है, आती नहीं तो ठीक है, ये होता है। तो ये जो उसके स्पेलिंग थे, इसको भी व्रत बोल देते हैं, तो ये जो इसके स्पेलिंग होते हैं, इससे खैर मैं ये बता रहा हूँ कि जो व्रत होता है, ये जो व्रत होता है एक्चुअली में, लेकिन इसको व्रत मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, व्रत को अगर आप देखेंगे और गूगल करके देखोगे तो व्रत का मतलब होता है स्फीयर, तो उसको आर्यव्रत बोल दिया जाता था, पहले भारत नहीं था, पहले इंडिया नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, तो उसको आर्यव्रत बोल दिया जाता था, तो इसका मतलब पूरे स्फीयर की बात करी जा रही थी, यानी कि अर्थ की बात करी जाती थी, और हम अगर आज भी पढ़ते हैं किसी हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं तो उसमें यह पता चलता है कि भारत का प्राचीन नाम आर्यव्रत था, ये कहा जाता है, वो भारत कॉन्ट्रैक्ट, हाँ अच्छा, तो ये मुझे इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं, इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, उसको पता होगा, उसको पता होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो चीज़ है, उस चीज़ को मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो श्रीलंका में बड़ा स्ट्रेंग करूँ, ठीक है। चलिए, तो अब मैं ये देखता हूँ कि जैसे ये इम्प्योर कॉपर है, इसको मैंने एनोड बोल दिया, और ये जो प्योर कॉपर है इसको हमने कैथोड बोल दिया, तो कुल मिलाकर ये है कि भाई प्योर कॉपर की भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ से आइंस धीरे 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 टूट टूट कर वो इस पर जाकर लगने शुरू हो जाएंगे, यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इट बिकम्स थिकर एंड इट बिकम्स थिनर, ये छोटा हो जाएगा,
और इसी प्रोसेस में जो इसमें इम्प्योरिटीज मौजूद हैं वो टूट कर नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। एक ओर है, उसका जब किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, मतलब उसको जब रिएक्शन कर दिया जाता है, तो व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू फ्री मेटल। एंड ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। तो एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट यानी कि NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। व्हेनेवर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट एसिड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मड, सिंस दिस ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड सो इट इज अ कार्बोनेट ओर। तो पहली चीज तो मुझे ये पता चल गई कि ये कार्बोनेट ओर है, समझ में आ गया। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में एन ओर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑन ट्रीटमेंट विद अ डाइल्यूट एसिड। तो अगर किसी भी एसिड के साथ में किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, मुझे नहीं मालूम किसका हो रहा है, एसिड के साथ में किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है और अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो वो कब मिलता है, जब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होता है। वैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पर भी CO2 मिलता है, पर मैं जानता हूँ कि ओर कहीं पर भी कार्बोनेट ओर तो मिलेगा लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट ओर नहीं मिलता, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे था, हाइड्रोजन कार्बोनेट ओर नहीं मिलेगा। तो ओर के केस में कार्बोनेट ओर था या फिर सल्फाइड ओर था, दो तरीके के ओर सभी देखे, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, बिल्कुल सही। तो आप ये देखिएगा कि अ कार्बोनेट ओर कैन बी कन्वर्टेड विद अ फ्री मेटल, कन्वर्टेड इनटू अ फ्री मेटल इनटू टू स्टेप्स, कैल्सिनेशन करेंगे पहले फिर रिडक्शन करेंगे। कैल्सिनेशन तो स्टेप वन में क्या है, मेटल कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करा तो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, आंसर देख लीजिए सीधा, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। और स्टेप टू जो है उसमें क्या है कि मेटल ऑक्साइड को फिर कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया तो रिडक्शन हो गया, तो क्या बन गया, मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया। तो ये स्टेप्स इन्होंने पूछे थे, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, बस इतना आपको मेंशन कर देना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 53, कोरोजन, कोरोजन पर आ जाइए। कोरोजन में देखिएगा, लास्ट पेज है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है, डिलीटेड है, देख लो एक बार, सिलेबस मैंने भेजा था ना शायद, नहीं हाँ बोलो बोलो सर, एपी में हमने बहुत सारे जो तरीके करे जैसे मिड टर्म निकालने का एपी की, या फिर जो अगर हमें फर्स्ट टर्म्स ना दी तो वो निकालने का, वो सब तो सिलेबस में दिया ही नहीं हुआ, सिलेबस में लिखा हुआ है ओनली डेरिवेशन ऑफ एएन फार्मूला एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अच्छा मैं तब नहीं बताया तुमने, ये तो करवा रहा था, पढ़ाने शुरू कराया ना, अच्छा पढ़ाई है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, हम तो वैसे ही पीछे चल रहे हैं पूरे टाइम से। चलो कोई बात नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा ही कर लिया, क्या हो गया, एक मिनट देख लीजिए इसमें जो है ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, नहीं नहीं बेटा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फिर बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, स्पेशली मेंशन्ड करना है,
सिलेबस में है, लास्ट पेज पर आ जाइए। हाँ भेज दूँगा, क्लास के बाद भेज दूँगा। चलिए जी देखिएगा, तो ये एक ही पेज का ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, पेज नंबर 53 पर आ जाइए। कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या है कि जैसे कहीं पर कोई मेटल रखा रहता है ना, उस पर जंग वगैरह लग जाता है, वो गल जाता है, खराब हो जाता है, उसको कोरोजन बोलते हैं। द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाई द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो अगर कभी भी कोई मेटल है, उस मेटल पर एयर का एक्शन हो जाए, मतलब एयर उस पर अटैक करे या मॉइस्चर अटैक करे या एसिड अटैक करे और वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो, तो हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं कोरोजन। ठीक है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स मतलब ये जो चीज़ें हैं, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ये एक तरह से मेटल को खा जाते हैं। तो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। फिर देखिए तो इसका एक एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो आयरन खराब होता है, क्या जो आयरन खराब होता है, यानी कि जो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग बोल देते हैं। When an iron object is left in damp air or water, जब कभी किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को हम डैम्प एयर, एयर मतलब वो जिस एयर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, ह्यूमिड एयर हो, तो उसमें या फिर वाटर में रख देते हैं फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, मतलब एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, दो दिन, तीन दिन, चार दिन के लिए, तो इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का फ्लैकी सब्सटेंस का मतलब ये है कि उसको अगर हम हाथ से घिसने की कोशिश करेंगे तो पाउडर की तरह झड़ने लगता है, तो वो जो चीज़ है उसको हम रस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। एयर, ऑक्सीजन, वाटर या मॉइस्चर की वजह से रस्टिंग होता है। फिर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, देख लीजिए बेहद आसान है, अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे भाई, पॉलिश करके हो जाता है, वर्निश लगाकर हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, आयरन के ऊपर पेंट कर दो तो रस्टिंग नहीं होती। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, बाई डूइंग सो ऑब्जेक्ट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर और मॉइस्चर। तो क्या करा कि जो आयरन है, आयरन की सर्फेस पर आपने या तो ग्रीस लगा दी या फिर ऑयल की एक कोटिंग कर दी, तो उससे क्या होगा कि ऑयल की कोटिंग अगर आपने उस सर्फेस पर कर दी, आयरन की सर्फेस पर कर दी, तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा एयर के या मॉइस्चर के। तो जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा, तो रस्टिंग नहीं होगा। थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक थिन लेयर जिंक की चढ़ा दी जाए तो हम ये बोलते हैं कि इस प्रोसेस को फॉर्मूला नहीं होगा ना, क्योंकि इट विल बी अ टाइप ऑफ अलॉय, अलॉय का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हमने क्या करा कि मेटल के ऊपर हमने जिंक की एक कोटिंग जो है वो उसके ऊपर लगा दी, लगा दी तो फिर अगेन वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा एयर के, तो रस्टिंग से बचा जा सकता है। तीन रीजन्स हैं, चौथा मैं लिख रहा था, मैंने पूरा लिखा नहीं, छोड़ो उसकी जरूरत नहीं, कोई दो तीन रीजन से सब। ट्रेन की पटरियों पर क्या होता है? हाँ, ट्रेन की पटरियों पर क्या होता है? ट्रेन की पटरियों पर कुछ भी नहीं होता, वो नहीं होते हैं। नहीं, वहाँ पर रस्टिंग होती है, लेकिन क्या है कि ट्रेन जो है लगातार जाती रहती है उसके ऊपर से, तो इस वजह से उस पर रस्टिंग नहीं हो पाती। और हाँ, अगर कोई ट्रेन की पटरी ऐसी है जिसके ऊपर ट्रेन नहीं जाती है, सदियों से पड़ी हुई है ऐसी, तो उस पर जंग लग जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो आपका मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट होता है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बताइए, मैंने ग्रुप पर नोट्स डाले थे क्या? हाँ, मैं भेज देता हूँ, दो मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। हाँ, मैं रिसेंड कर रहा हूँ, रुक जाऊँगा।